आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो कि ये प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। चैनल पर आप नए आए हैं, लॉ जीएस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में साथियों 171 से लेकर के 180 नंबर तक के क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। मोक्ष की चर्चा मिलती है तो कहां पर? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? तो यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो बी ऑप्शन सही होगा, केकय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो यहां पर ए ऑप्शन सही होगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए ऑप्शन सही होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो यहां पर सी ऑप्शन से होगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? सी ऑप्शन से होगा यहां पर, कुभा क्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों की वीडियो को शेयर जरूर करिए। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी इन क्वेश्चंस के आंसर जान सकें, और अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर एग्ज़ाम में सही कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।